हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो आज हम स्टूडियो के अंदर बात करने वाले नेचुरल गैस के अगस्त फ्यूचर्स, यहाँ पर करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे खासे इंट्राडे के अंदर आपको जो लेवल्स एज वेल एज टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको हमारे इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो जस्ट एज ऑफ द फिट अगर मैं यहाँ पर कल की भी बात करता हूँ, एक अच्छा सा सपोर्ट जो है यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिला था, बट हमें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि सेलिंग का जो सिग्नल है वो नियरली हमें यहाँ पर ही मिल गया था एकदम कन्फर्मेशन के साथ। दैट इज एट द प्राइस ऑफ नियरली 306 के आसपास भी अगर आप शॉर्ट करते तो आपका जो फर्स्ट टारगेट दैट इज 303, दैट इज ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट जो है यहाँ पर आपको कवर होते हुए देखने को मिल सकता था। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर मिला है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आपने कल बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम फेज जो यहाँ पर आपको आपने कैच किया होगा। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट अगर आप मेरे जैसे ट्रेडर हो तो यहाँ पर आपने अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ की होगी, दैट इज एट द प्राइस ऑफ, यहाँ पर हमें फिर से बाइंग का सिग्नल मिला तो मैंने यहाँ पर नियरली यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी, दैट इज 298 के आसपास, दैट इज ऑलमोस्ट 306 से 298, दैट इज ऑलमोस्ट 6 से 7 पॉइंट्स जो है यहाँ पर हमने कैप्चर किया, तो बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम फेस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सो अगर मैं यहाँ पर आज की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो आपको किस तरह से लेवल देखने को मिला, दैट इज अगर आप लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे तो शॉर्ट पोजिशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर सपोर्ट जो है हमें नियरली 296 का यहाँ पर देखने को मिला, 296 के अगर नीचे आता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनानी है। एज वेल एज लॉन्ग पोजिशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो लॉन्ग पोजिशन मेरे सबसे आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो नियरली आप जो कल का जो हमें लास्ट का जो मोमेंटम देखने को मिला दैट इज 303.13 के आसपास का, अगर वो भी लेवल जो है अगर तोड़ता है 303.13 का तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अपसाइड के अंदर टारगेट नियरली 306.6 या फिर 1 या 2 पॉइंट जो है यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड डायरेक्शन के अंदर। अगर ये 305 का जो लेवल प्राइस है अगर वो भी ब्रेक करता है तो आपको नियरली 307 दैट इज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से भी ज़्यादा तक के जो टारगेट्स है यहाँ पर आपको अपसाइड डायरेक्शन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर MACD का इंडिकेशन मिलना चाहिए। ये जो भी हमने यहाँ पर मार्क किए हैं वो आप वीडियो को पॉज करके जो भी लेवल्स है वो आप मार्क कर सकते हो अपने अपने खुद के ट्रेडिंग पैनल के अंदर, और उसके साथ में MACD एज वेल एज RSI के अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आप इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।